हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं अमेजोन से ख़रीदा हुआ वाटर टैंक का अलार्म। तो पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, ओपन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें नाम लिखा है स्वर्ण जल। स्वर्ण का मतलब होता है गोल्ड, इसलिए साथ ही इसको थोड़ा गोल्डन कलर या येलो कलर में लिखा गया, और जल ब्लू कलर में रहता है, ब्लू कलर में लिखा गया। स्मार्ट H2O गैजेट है। इसमें 100, 75, 50, 25% का लेवल आपको बताता है। सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये है, इसमें आप बिजली से कनेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट जो है एसी पावर से कनेक्ट नहीं करते, इसमें बैटरी लगती है, और जिससे क्या होता है कि करंट लगने का जो खतरा है वो नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास वाटर टैंक अलार्म है, उसको आपने पानी में डिप किया है और उसको अपने अपने एसी वाले एडाप्टर से कनेक्ट कर दिया, जिससे क्या होता है कि पानी में करंट आने के चांसेस रहते हैं। तो ये उसका यूज़र मैनुअल है, कैसे इसको लगाना है इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि कितना। तो इसका साइज़ कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरे इस कटर से भी छोटा है। तो यहाँ पर टेप लगा दी है, तो यहाँ से हमें बीप सुनाई देगी। ये है आपका लक्की कूपन, एक्सटेंशन ऑफ गारंटी, अच्छा ये गारंटी एक्सटेंशन का कूपन है। तो इसको कॉल करके बात करना पड़ेगा, और ये हमारा जो मेन चीज़ है, तो इसको भी यहाँ से कट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसको पूरी तरीके से अनबॉक्स कर दिया है, जो वायर कनेक्टेड थे उनको अनटैंगल कर दिया है, निकाल दिए हैं। तो हमको इसमें क्या मिलता है, इसमें दो यूनिट मिलेंगे। एक तो ये आपका रिसीवर है, ये रिसीव करेगा, और ये आपका जो है ट्रांसमीटर है, मतलब ये सेंसर है, ये मतलब वाटर लेवल को सेंस करेगा और ट्रांसमिट करेगा। तो इसमें देखते हैं कितने हमारे पास वायर हैं। तो यहाँ पे चार डिप्स हैं, ये ही पानी पे डिप होंगे। जो रेड वाला है वो सबसे नीचे डिप होगा, उसके बाद जो येलो वाला है वो डिप होगा, उसके बाद जो ब्लू वाला है वो डिप होगा, और फिर लास्ट में ग्रीन वाला इंडिकेट करेगा कि अराउंड जो है आपका 100% वाटर है। तो इसमें जैसा कि देख सकते हैं, सारे वायर इससे कनेक्टेड है। यहाँ पे डबल साइडेड टेप दिया गया है, इसको आपको जो वाटर टैंक के जो ओवरफ्लो वाला जो एरिया होगा या ओवरफ्लो वाला पाइप होगा, उससे ऊपर लगाना है ताकि इस पे पानी ना पड़े। और वैसे तो ये वाटर रेजिस्टेंट है, पानी पड़ जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसको ऐसी जगह लगाएं ताकि इसमें ये काफ़ी मजबूत रहता है, अगर पानी पड़ेगा तो धीरे धीरे नीचे होकर ये पानी टंकी में गिर सकता है। लेकिन अपने क्या करना है, इसको निकालना है और एक ऐसी सेफ जगह पे क्लीन करके इसको चिपका देना है, ताकि ये लंबे समय तक चिपका रहेगा। ये सेंसर हब है, 100% वाटरप्रूफ है, और गर्मी भी सह सकता है। ये क्या रहेगा, पानी टंकी के अंदर रहेगा, ठीक ना। तो ये सारे वायर्स को डिप करेंगे अलग अलग लेवल पे, और ये पानी टंकी के अंदर रहेगा। ये जो वायर यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से बीच में से काट के आप एक लंबा वायर ले सकते हैं, और ये तो आपका पानी टंकी में रहेगा, और ये आपको जहाँ आपको सहूलियत लगे, आपके किसी रूम में या घर के सामने या जहाँ पर आपका बोर मशीन है या समर्सिबल मशीन है, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। तो यहीं से इसको काटेंगे और इसमें वायर ऐड करेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा जो है मेन
रिसीव करने का काम करेगा, रिसीवर है ठीक। यहाँ पर आपको कुछ फिंगर का नजर आ रहा है, ये टच है। यहाँ पर अगर 2 सेकंड से कम टच करेंगे तो ये वाटर लेवल इधर का इंडिकेट कर देगा कितना है करके, और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपका बंद हो जाएगा, ये आप यहाँ से आपकी साउंड आएगी। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं इसमें जो है जो घड़ी में लगने वाला सेल है, ये डबल एक बैटरी इस पे आपको लगाना है। इससे क्या होगा कि जो करंट का खतरा, जो एसी अडाप्टर रहते हैं तो उस एसी प्लग में आपको लगाना नहीं पड़ेगा, और इससे क्या होगा करंट पानी में जाने का खतरा नहीं रहेगा। और क्या होगी अगर इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो वो क्या करेगा, ब्लिंक करेगा और उससे पता चल जाएगा कि बैटरी कम है, आप बैटरी चेंज कर लीजिए। इसमें आप कोई भी मतलब डबल डी बैटरी लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं बाकी समझने के लिए, तो आपको यूज़र मैनुअल ये दिया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि अलग अलग इंडिकेटर रेड। और यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि अगर रेड लाइट जलता है कंटिन्यूअसली तो उसका मतलब है कि वायर्स जो है गलत तरीके से कनेक्ट हुए हैं। अगर वायलेट जलता है, बैगनी जलता है, तो मतलब कि तार कहीं से टूटा हुआ है। तो अब ये तो इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बाकी इसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हम एक बकेट में पानी भरेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे कि इसमें बैटरी हम लगा देते हैं। तो जैसे मेरे पास ये 2 बैटरीज हैं, अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कनेक्ट करने वाला हूँ। मैं जैसे ही बैटरी कनेक्ट करता हूँ, कुछ इसमें इस तरीके का ब्लिंक होता है, इसको टच करता हूँ, लॉन्ग प्रेस, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। बैटरी को अच्छे से फिर से कनेक्ट करते हैं, ये रही। मतलब चीज़ें कनेक्ट हो गई है, ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब इसको पावर मिल गया है। अब क्या करेंगे, इसको एक बकेट में डिप करेंगे। ये रेड जल रहा है बीच बीच में, इसका मतलब है कि अभी पानी से कनेक्ट नहीं है। तो चलते हैं कनेक्ट करते हैं। तो इस मशीन को टेस्ट करना है हमें, तो हमने बकेट में ये पानी ले लिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ वायर्स को डिप करेंगे। तो सबसे पहले जो वायर डिप होगी वो रेड वाली वायर होगी, तो ये रेड वाली वायर को हम डिप करेंगे एकदम बेस पे, मतलब पानी टंकी के सबसे नीचे ये वायर जाएगी। तो सबसे नीचे ये वायर चली गई है। अब दूसरा वायर जो हम डिप करेंगे वो होगी येलो वाली वायर, इसको लगभग लगभग हम 75 मतलब सॉरी 25% पर डिप करेंगे। तो इधर देख सकते हैं आप, येलो का येलो लाइट जल रही है, मतलब ये काम कर रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए इसको टच करके देखता हूँ, ये टच करके मैंने देखा तो येलो लाइट जल रही है, मतलब काम कर रहा है दोनों सेंसर के दोनों केबल। अब तीसरे नंबर पे क्या करना है, तीसरे नंबर पे इस ब्लू वाले को करेंगे, इसको हम लोग 75% पे रखेंगे। 75% मैंने डिप कर दिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ब्लू लाइट जल रही है, मतलब ये भी काम कर रहा है। अब क्या करेंगे, इस वाले को यहाँ पे जो कि है हमारा ग्रीन वायर, उसको एकदम 100% पे डिप कर देंगे। तो जैसे ही 100% डिप किया, ये कुछ इस तरीके का एक बजिंग साउंड हमको आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि पानी की टंकी भर गई है। इस साउंड की लाउडनेस देखते हैं,
हल्का सा टच करने पर वो बंद हो जाता। फिर से इस ग्रीन वाले वायर को हटाएंगे और फिर से डिप करेंगे और देखेंगे कि साउंड फिर से आ रही है। तो ये जो साउंड है बजिंग साउंड वो 45 मिनट तक रहेगी। उसको टच करेंगे आप सिंगल बार तो वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पे जैसा देख सकते हैं कि लाइट इंडिकेट हो रहा था, ग्रीन मतलब कि पानी फुल है, ये लेवल को आपका बता रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है।